कितने प्यारे प्यारे और अलग अलग स्ट्रमिंग पैटर्न है दोस्तों, देखो। दोस्तों नमस्ते, मैं तुषार गिटार गाणी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज मैं आपको मैक्सिमम डिटेल्स स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में बताऊंगा, क्योंकि स्ट्रमिंग पैटर्न को लेके बहुत सी शंका है, बहुत सी कश्मकश लोगों के दिमाग में शुरू रहती है। जो नए आते बिगिनर्स रहते हैं उनको एक आध दूसरा 8 बीट का स्ट्रमिंग पैटर्न आता है और गाना अच्छा सा 7 बीट का आता रहता है, लेकिन वो उनको उसके ऊपर गाने को नहीं आता है। तो वहाँ से जो है कन्फ्यूजन शुरू होता है, वो अलग स्ट्रमिंग पैटर्न क्या है, वो सीखना कैसे है, चेक कैसे करना है, समझना कैसे है, वो तकलीफ में अगर वो कोई रूरल एरिया में रहता है बिगिनर जिसको कोई बताने वाला नहीं है तो वो छोड़ ही देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिष्ट पार्ट है स्ट्रमिंग पैटर्न, लेकिन समझ में आए तो बहुत सा आसान है। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा किसी क्लिष्ट भाषा में बिना अटकाए हुए जो इसका निचोड़ है और जो आसानी से आप इसका बेसिक समझ सके, इस वजह से मैं आपको 3 स्ट्रमिंग पैटर्न यहाँ पे आज दिखाऊंगा, जिसमें से एक 6/8, एक 7/8 और एक तीसरा 8/8। इसके लिए 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है। पहली चीज, एक बात बताता हूं लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि बाद में मैं भूल जाता हूं, 200-250 के ऊपर गाने और इंफॉर्मेटिव चीजें, ऐसे वीडियोज ही अपने चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, लोग बहुत प्यार भी देते हैं। आपने अभी तक अपना चैनल गिटार गाणी सब्सक्राइब नहीं किया है, ऑफिशियल आर्टी चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन का आइकॉन भी दबा के रखना सिलेक्ट ऑल के साथ में, ओके, ताकि मैं कोई गाना या इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए अपलोड करूँ तो इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो 6/8, 7/8 और 8/8 स्ट्रमिंग पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उसके लिए जैसा मैं बोला 2 चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट हमें याद रखनी है। उसमें से पहली बात कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 8 डाउन स्ट्रोक। देखो मैंने एक बार कॉर्ड ए माइनर पकड़ा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका जो साइंटिफिक जो कुछ लैंग्वेज है जिसकी वजह से आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, एकदम निचोड़ आसान सी भाषा में ये समझाऊंगा। अगर आप ये समझ गए तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप ये समझ गए तो जिंदगी भर आपको कोई गाना और स्ट्रमिंग पैटर्न परेशान नहीं करेगा गिटार के ऊपर। तो दोस्तों पहली बात ये याद रखनी है कि 8 डाउन स्ट्रोक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अप स्ट्रोक भूल जाओ, सिर्फ 8 डाउन स्ट्रोक याद रखो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 8 डाउन स्ट्रोक में से आगे हम 6 बीट में, 7 बीट में और 8 बीट में, 6 बीट में 8 में से 2 स्किप करेंगे, 7 बीट में 8 में से 1 स्किप करेंगे और 8 बीट में 1 भी नहीं स्किप करेंगे 8/8 में। तो 6 बीट में जो हम लोग स्किप करने वाले या 7 बीट में हम लोग जो स्किप करने वाले, तो स्किप करते वक्त भी एक्शन 8 बीट का जो डाउन स्ट्रोक का है वो एक्शन बनना ही है, एक्शन ऐसा ही रखना है। जैसे कि मैं समझो 8 बीट बजाता हूँ अभी देखो, और 8 में से दूसरा स्किप करता हूँ तो भी मुझे एक्ट करना है, जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी इसमें से मैंने दूसरी स्किप की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ गए दो चीजें, पहली डाउन 8 स्ट्रोक है, 8 डाउन स्ट्रोक, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर कोई स्किप करते तो भी मूवमेंट शुरू रखनी है, 8 के 8 डाउन स्ट्रोक एक्शन होना ही चाहिए, ओके। कभी वो शॉर्ट करना है कभी अलग, वो अलग बात है। अब हम लोग आते हैं पहले 6/8 रिदम पैटर्न में, स्ट्रमिंग पैटर्न में। अभी देखो ये जो 8 डाउन स्ट्रोक है ना, 6/8 मतलब क्या, 8 में से 6 स्ट्रम करने, एक्शन 8 के 8 करने, सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 एक्शन हो गया। इसमें अब क्या किया है, दूसरा और पांचवा स्टम कैंसिल किया है, स्किप किया है, लेकिन एक्शन करनी है, मतलब कैसा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
दूसरा और पांचवा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरा और छठवा, सॉरी मैं गलती से दूसरा और पांचवा बोला, दूसरा और छठवा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब दूसरा सेकंड और सिक्स्थ जो डाउन स्ट्रम है वो मैंने किया लेकिन एक्शन किया, तो कुल मिला के क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसको गिनना कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, दूसरा तो स्किप ही किया, पांच छठवा भी स्किप किया, तो ये गिनना कैसा है, 1 2 3 1 2 3, एक्शन तो दूसरा और छठवा भी हो रहा है, ये हो गया 6/8। ओके, डाउन 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 डाउन, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रम किया हुआ, और विदाउट स्ट्रम का जो स्कीप किया है उसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वो सेकंड और फिफ्थ हम लोगों ने स्किप कर दिया। बहुत से गाने इसमें दोस्तों, 6/8 में बहुत से गाने, डाउन 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 डाउन, भौरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, ऐ दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, बहुत से गाने, बहुत से गाने 6/8 में बहुत से गाने हैं। अब एक प्रॉब्लम या ऐसा मतलब जो ग्लिच पार्ट मैं आपको बताता हूं, 6/8 रिदम पैटर्न के जो गाने हैं वो आप 7/8 में या 8/8 में गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते, जब तक आप उसका टाइम सिग्नेचर चेंज नहीं करें। टाइम सिग्नेचर चेंज करके कोई भी गाना कोई भी पैटर्न में गा सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसा बॉलीवुड में जैसा रिकॉर्ड रिलीज हुआ है ऐसा का ऐसा अगर गाना हिंदी गाना गाना है, तो वो टाइम सिग्नेचर अगर बिना चेंज किए करना है, तो 6/8 का गाना 7/8 में नहीं गा सकते, 7/8 का 8/8 में कोई एक दूसरे में नहीं जा सकता। ओके, अभी इसमें क्या है, 6/8 में हम लोगों ने जो डाउन 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 डाउन, इसमें कुछ डायनेमिक शेप दे सकते हैं, कब म्यूटिंग कर सकते हैं, कोई अलग स्कीप कर सकते हैं, और बहुत से पैटर्न है। डायनेमिक शेप एक आध दे के मैं आपको बताता हूं, जो डाउन 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 है ना, इसमें से जो लास्ट दो डाउन स्ट्रोक है उसके अल्टरनेटिव, मतलब उसको उसके बदले में मेरे को डाउन अप, वही टाइम फ्रेम में, मतलब जैसा देखो टाइम सिग्नेचर क्या है, 1 2 3 1 2 3, ये याद रखना टाइम सिग्नेचर है अभी के पैटर्न के लिए, 1 2 3, लेकिन मैं क्या करूंगा, दूसरा और तीसरा जो डाउन स्ट्रोक है उसको वही सेम टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूंगा डाउन अप में, डाउन 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 का कन्वर्ट करूंगा मैं डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप, टाइम फ्रेम मेरा हिला क्या, नहीं हिला, याद है ना आपको, 1 2 3 1 2 3, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन, ये डायनेमिक शेप हो गया, जो डाउन का डाउन अप करना या अप डाउन करके कन्वर्ट करके उसको डायनेमिक दे सकते हैं। कहीं पे स्किप करना पड़ता है, कहीं पे ऐड करना पड़ता है, अलग अलग म्यूट करना पड़ता है, बहुत सारे उसमें खेल कर सकते हैं। ओके, पहला 6/8 समझ गए, अब हम लोग आगे जाते 7/8 पे। 7/8 में दोस्तों ये थोड़ा सा ऑड कॉर्ड है ना, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गाने उसमें लेकिन कम फेमस गाने, फेमस गाने बहुत कम है 7/8 में। ये कुछ ऐसा है जैसा मैंने आपको बोला, एक्शन के साथ 8 डाउन स्ट्रोक, 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें क्या करना है, चौथा स्किप करना है, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फोर्थ स्किप किया। ओके, हमको थोड़ा आसान करने के लिए हम क्या करते, 1 2 3 5 6 7 8 के जो चार है वो भी 1 2 3 4 करके गिनते हैं आपके आसानी के लिए। ओके, तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4,
और चौथा स्किप करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 चौथा स्किप कर दिया, एक्शन किया है हम लोगों ने, टाइम सिग्नेचर रखना है ना उसका 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग गिनते टाइम कैसा गिनते हैं उसको 1 2 3 4 3 4। ओके, तो इस फोर्थ स्किप करने के बाद में हमारा कैसा हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। साथ ही हो गए ना, एक सिर्फ एक्शन किया है, चौथा हम लोगों ने बजाया नहीं, उसको स्ट्रम नहीं किया है। तो अभी ये कैसा होता है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ये हो गया स्ट्रमिंग पैटर्न। अभी इसमें डायनेमिक शेप दे सकते हैं क्योंकि इतना लंबा कोई फास्ट गाने जो रहते, जैसे कि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, फास्ट गाना है तो इसमें पूरा डाउन स्ट्रोक नहीं। इसमें क्या करना है, अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक डायनेमिक शेप बताता हूं। जैसे कि जो पहले तीन डाउन स्ट्रोक है हम लोगों ने कन्वर्ट कैसा किया है 1 2 3 1 2 3 4, तो इसमें क्या करना है, दूसरा जो डाउन स्ट्रोक है वो कन्वर्ट करना है डाउन अप में। तो ये कुल मिला के कैसा होता है, डाउन 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 का डाउन डाउन अप डाउन सेम टाइम फ्रेम में, और आगे जो चार स्ट्रोक है 1 2 3 4 उसमें से सेकंड और फिफ्थ कट करना है। ओके, सॉरी सेकंड और दूसरा तीसरा चौथा कट करना है, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। समझ गए, बहुत से गाने इसमें भी प्यारे प्यारे गाने। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया। मेरा जीवन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 डाउन। मैं म्यूट करके दिखाऊं आपको ये कैसा, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन डाउन। ये आखिरी निचोड़ है, ये एक एग्जांपल, आप भी आरएनडी कर सकते लेकिन 7/8 का ये बेसिक है। 8 स्ट्रोक पूरे एक्शन करने, उसमें से 7 स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक करने और चौथा स्ट्रोक स्किप करना है, जैसा 6/8 में दूसरा और छठवां स्ट्रोक हम लोगों ने स्किप किया, ऐसा यहाँ पे सिर्फ चौथा स्ट्रोक स्किप करना है। ओके, बहुत सारे गाने, तेरे मेरे मिलन की ये रना, तेरे मेरे मिलन की ये रना, बहुत से प्यारे गाने इसमें है लेकिन थोड़ा क्लासिकल बेस और मुश्किल थोड़ा होने की वजह से, रूपक ताल में ना 7/8 रूपक ताल में, तो ये एक क्लासिकल बेस थोड़ा सा आता है इसमें क्योंकि लंबा टाइम मिलने की वजह से सिंगर जो है उसको अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से खींचता है, मुर्कियाँ लेता है, तो वो 7/8 में थोड़ा सा होता है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। आखिर में 8/8 में कोई भी स्किप नहीं करना है, जब तक आपको उसको डायनेमिक शेप नहीं देना है। अगर डायनेमिक शेप देना है तो 8/8 में कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसा कि मैंने डाउन 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 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी इतने गाने हैं, ये तो नॉर्मली सबको मालूम है क्योंकि 8/8 में से एक डिराइव किया गया हुआ नॉर्मल जो डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। कौन सा स्किप करना है, कौन सा पकड़ के रखना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अभी इसमें डाउन डाउन अप, इसमें क्या होता है, दूसरा
अप और तीसरा डाउन स्किप हो गया। डाउन अप के बदले में डाउन, ऊपर तो हाथ आ गया, डाउन अप। ओके, ये जो प्रोसेस है ये आपको प्रैक्टिस से ही समझेगी। डाउन डाउन अप अप डाउन अप, इसमें कौन सा स्किप किया गया हुआ है। आगे जाके आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब जैसे कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रम करना है या हल्का स्ट्रम करना है या ज़रूरत पे म्यूट करना है, या ये सब कर सकते हैं इसमें। ये स्ट्रमिंग पैटर्न का एक खासियत है, इसमें सबसे ज़्यादा वराइटीज़ है 8x8 में। जैसा कि एक महीने जैसे डाउन डाउन अप अप डाउन, देखो कि एट बाय एट में और एक है डाउन डाउन अप 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 डाउन 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 अप 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 डाउन। बहुत प्यारा है ना स्ट्रमिंग पैटर्न ये। डाउन डाउन अप 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 डाउन, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसको टाइम देना बहुत जरूरी है, समझना आसान है। 6x8 समझ गए, 7x8 समझ गए, अभी 8x8 का ये एक दूसरा स्ट्रमिंग पैटर्न का डायनेमिक शेप है। बहुत गाने इसके ऊपर। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कुछ तो बहुत प्यारा है ना स्ट्रमिंग पैटर्न ये। और भी स्ट्रमिंग पैटर्न है 8x8 में, जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन, बहुत गाने इसमें। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। डाउन डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन। और भी प्यारे एक देखो, एक तो स्ट्रमिंग पैटर्न 8x8 का डाउन माँ प्यार। लाल लाल ले लाल 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 ले लाल लाल, डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, अब दिन गुजरते नहीं रात कटती नहीं, तस्वीर से बात बनती नहीं तो आजा। दो स्ट्रमिंग पैटर्न है ना। डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और कितने स्ट्रमिंग पैटर्न आप निकाल सकते हैं इसमें से, आपको R&D करने की जरूरत है। ये सब 8x8 के परक्यूसिव स्टाइल भी बजा सकते हैं। परक्यूसिव स्टाइल ये देखो। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। 8x8 का और ऐसे बहुत सारे आप भी स्टाइल जो है, रिदम पैटर्न जो है, गाने के हिसाब से सोच के समझ के आप उसको यूटिलाइज कर सकते। लेकिन ये सबसे निचोड़ है, बेसिक है। 6x8, 7x8
8x8। एक बार फिर मैं आपको रिव्यू करता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन एक बार अगर ये देखेंगे तो उसके बाद दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 6x8 में दो स्किप करने लेकिन एक्शन करनी है, दूसरा और छठवा। 7x8 में एक स्किप करना है, 8 डाउन स्ट्रोक में से वो है चौथा। और 8x8 में कोई स्किप नहीं करना है। इसको अगर डायनेमिक शेप देना है तो किसी भी हाल में डाउन स्ट्रोक का जो कन्वर्जन है वो डाउन अप में करना है, डाउन का डाउन अप में या अप डाउन में। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हाथ चलते रहना चाहिए, स्ट्रमिंग हैंड जो है चलते रहना चाहिए। आप स्ट्रम करो या ना करो, स्ट्रमिंग हैंड चलते ही रहना चाहिए। आशा करता हूँ स्ट्रमिंग पैटर्न आप डिटेल समझ गए। माफ़ करना, मैंने कोई स्क्रोलिंग लाइन या कोई टेक्स्ट यहाँ पे नहीं दिया है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि आप ये समझ के प्रैक्टिस करके ही आत्मसात करें, तो लाइफ टाइम में आपके जहन में दिल में पक्का रहेगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे अच्छे से नए लेसन के साथ अगली दफ़ा। तब तक के लिए